भाई लोग स्वागत है आप सभी लोग का मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में। और आज की ब्लॉग जो है खास होने वाली है, जो हमारे काफ़ी जो है व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो भाई लोग पूछ रहे थे कि भैया आप रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में पहले आपने बताया था। हाँ, फिलहाल मैं उस समय कर भी रहा था, तो आप लोग को मैं जो है गाइड भी कर रहा था क्या कैसे करना चाहिए क्या नहीं। तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट आया कि भैया रेलवे अप्रेंटिसशिप करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। कि भाई मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ रेलवे अप्रेंटिस कितने तरीके से कराता है। तो रेलवे अप्रेंटिस जो है कई टाइप के करवाते हैं। नंबर एक पहला हो गया जो है नॉन टेक जो है अप्रेंटिसशिप, मतलब नॉन टेक में जैसे आप कुछ नहीं किए हैं, हाई स्कूल करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, तो आपको 2 साल का अप्रेंटिसशिप और ITI, मतलब मान लीजिए ITI बना देगा आपको, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी देगा 2 साल के लिए। और जो है दूसरी नंबर पर जो आते हैं तो होते हैं ITI वाले। ITI वाले जो है 2 साल ITI करने के बाद, NCVT SCVT से करने के बाद वो अप्रेंटिसशिप रेलवे में जो है एंट्री करते हैं, तो उनको 1 साल में अप्रेंटिसशिप पूरा हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उनका ये हो गया। और बाकी जो है डिप्लोमा आते हैं और BTEC आते हैं। तो डिप्लोमा BTEC एकदम समकक्ष होते हैं, उनका जो है रेलवे जो अप्रेंटिसशिप कराती है उनका जो है मेरिट बेस पर सिलेक्शन करती है। और NATS साइट गूगल पे है, पहले वहाँ पे आप जाकर पूरा लॉगिन करेंगे, पास आउट होने के बाद जब आप पास आउट हो फिर वहाँ से आप जाइए जो है उसका फॉर्म फिलअप करिए। और आप जब पूरा फॉर्म क्राइटेरिया फिलअप कर देंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा रेलवे में, इन फाइंड इन इस्टेब्लिशमेंट में जाके आप सर्च करिए इंडियन रेलवे। तो जिस बोर्ड से जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं वहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है। और आपको स्टाइपेंड देता है जो है नॉन टेक जो है ITI वाले जो हाई स्कूल पास करके आते हैं, तो उनको जो अप्रेंटिसशिप करते वक्त उनको जो है क्या नाम है 6,000 रुपये देता है, और जो ITI करके आते हैं उनको 7, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 8,000, जो BTEC वाले भाई साहब हैं उनको 9,000 देता है। रहने खाने के लिए कुछ नहीं देता है, आप लोग को अपनी ही व्यवस्था करना है, तो समझ जाइए। बाकी फ़ायदा किसको है, तो यहाँ पर देखा जाए फायदे की बात कि हम 1 साल बर्बाद कर रहे हैं, 1 साल क्या कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप, ये सोचे कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको भी आप विधिवत जान लीजिए। क्योंकि ये रेलवे बेवकूफ़ बहुत बना रहा है, जब से ये नई सरकार आई है 2014 से, फिर ये सब कुछ सब उलट पुलट करके फिर बदल हो गया है भाई साहब। और इसमें जो है रेलवे पहले क्या है, आप लोग अप्रेंटिस करिए, सीधा वहीं पे ज्वाइन करिए, तब ये तो बढ़िया रहता था। आज दिन क्या है कि हम कहीं भी अप्रेंटिसशिप करते हैं, कहीं भी कोई कंपनी कराती है, तो रूल यह है कि वो हमको परमानेंट कर दे। परमानेंट का मतलब उसी में हमारी जो है जॉब कंटिन्यू कर दे, तब तो हमको प्रॉफिट हुआ। BPCL हुआ, HPCL, NPCL ये सब जो है वहीं पर रख लेते हैं। प्राइवेट कंपनियों से आप लोग करते हैं, टाटा मोटर सुजुकी ये सब, तो आप पर देती हैं, आपको मौका दिया जाएगा, इसी में आपको रख लिया जाएगा। लेकिन जो है इंडियन रेलवे एकदम पूरा समझिए कि स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर दिया है। जितने भी हमारे साथ गए हैं सभी लोग इधर उधर इधर उधर से भटक रहे हैं, कहीं भी अप्रेंटिसशिप बताओ मैं रेलवे से करके आया हूँ, कोई वैल्यू नहीं, जाओ ठीक है करके आए हो ठीक है, जानते क्या हो, जानते हैं सर ये जो किए हैं जानते हैं ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ से अलग होगा, उसका कोई नहीं है वैल्यू, कोई नहीं है। 1 साल आपने बर्बाद किया अप्रेंटिसशिप, अगर यही वैल्यू कब होती जो हमें रेलवे वहीं खुद अपॉइंटमेंट दे दिया होता कि आप यहीं से वर्क परमिट आपको लोग यहीं पे काम करिए, लेकिन नहीं, हम लोग को तो काम देना नहीं है। तो डिप्लोमा लोग को एकदम रद्दी के भाव है, कुछ नहीं फायदा मिलेगा रेलवेशिप में अप्रेंटिसशिप करने के बाद। अगर जो भी भाई लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं और फिर वो भी डिप्लोमा या BTEC वाले सोच रहे हैं कि कर ले हम भी तो फायदा मिलेगा, तो कोई 1% चांस फायदे की नहीं है। बाकी सरकार अगर स्कीम चेंज कर देती है तो भले फायदा मिल जाए कि यहाँ सिलेक्शन हो जाए, बाकी ऐसे में कोई इस समय कोई भी प्रॉफिट रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले BTEC भाई को और डिप्लोमा भाई को कुछ नहीं मिला है। ITI वाले और नॉन ITI वाले अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है उनको 20% 30% रिजर्वेशन दिया जाता है, वही उनको फ़ायदा मिल रहा है इस समय, प्रॉफिट में है ITI वाले और नॉन ITI वाले अप्रेंटिसशिप करने के बाद। कि भाई डिप्लोमा वाले क्यों अप्रेंटिसशिप करवा रहे हो, आप क्यों ट्रेंड कर रहे हो, जब आपके यहाँ वैकेंसी नहीं है, आपके यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, तो हम सब अप्रेंटिसशिप करके क्या करेंगे, उससे अच्छा कहीं हम जॉब पे लग जाते तो आज दिन उसका एक साल का पूरा हो जाता कि हाँ एक्सपीरियंस हो चुका है और हम लोग को फिर वहीं में कंटिन्यू कर लेता है, कहीं और कंटिन्यू कर लेता, अच्छा खासा पेमेंट मिलता, अच्छा खासा 8,000 रुपया देता है रेलवे अप्रेंटिसशिप, और फ़ायदा क्या, कुछ नहीं। तो आप लोग सोचिए, विचार करिए, अगर भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं पढ़ाई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप कर लूँ तो अच्छा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इंडियन रेलवे, अप्रेंटिसशिप पूरा करिए, पढ़ाई भी करिए, मौका बहुत मिलता है। और आप ये सोचिए कि हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें इसमें भविष्य है और कुछ आगे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। कहीं भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे आप तो बताएं कि मैं अप्रेंटिसशिप किया हूँ, तो कोई नहीं, बिना जुगाड़ के आज आप लोग को बिना कोई सोर्स से सिफारिश के
आपको प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिल रही, तो आप सोचिए कहाँ कोई रखेगा। तो इसीलिए आप लोग का जो भी डाउट है मैंने क्लियर कर दिया। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी भाई लोग वीडियो पूछ रहे हैं कि क्या कैसे कहाँ से क्या करना है, सारा प्रक्रिया मैं बता दिया हूँ। बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सारा डेटा बता दिया। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, फिर आगे ऐसे ऐसे अच्छे से मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग फिर मेरे चैनल पर बनाए रखिए और रहिए। बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक अगली नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।